नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और सुबह सुबह से ही एक न्यूज़ आउटलेट जो आपको पता होगा, न्यूज़पेपर की एक कटिंग है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वो जो न्यूज़ कटिंग की एक न्यूज़ कटिंग है वो बहुत बड़ी वायरल हो रही है कि वैकेंसीज 2022 में आएंगी या नहीं आएंगी। तो उसमें तो खैर 2020 जून तक ही 2022 जून तक ही लिखा गया है, तो उसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसमें होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब तक इसके आसार हैं, इसमें क्या इसकी क्या सत्यता है वो मैं बताऊंगा। दूसरी बात, मैंने तुमको कल भी बताया था यूपीएसआई की वैकेंसीज में भी कि यूपीएसआई की वैकेंसीज अभी आपकी लेट होने वाली हैं। जो यूपीएसआई की वैकेंसीज है वो मार्च के बाद ही पता चलेगा कब तक आएगी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि सीएचएसएल के फॉर्म चल रहे हैं भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो यूपी पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, 10+2 है सीएचएसएल, सिविल की नौकरी अच्छी खासी है और सीजीएल के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर कोई यूपी कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो भाई इसका कर लो, 18 से 28 एज जनरल की। और अगर तुम्हें इसकी इंग्लिश पढ़नी हो तो इंग्लिश का भी मैंने तुमको बता दिया है। और जो एक एनी मैडम है, जो क्या नाम, दिल्ली की, जो मुखर्जी नगर की सबसे बेस्ट टीचर है, 19,000 रुपये भी महीने की उनकी वो है, 19,000 रुपये कोर्स है मतलब उनका इंग्लिश का। उनके मेरे पास में नोट्स हैं, अगर कोई नोट्स चाहता हो तो मेरे चैनल से जुड़ जाओ, मैं आपको उसके इंग्लिश के नोट्स बड़ी जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा अगर कोई सीएचएसएल की तैयारी करना चाहता हो, क्योंकि यूपी पुलिस का भी कोई भरोसा नहीं है, वो मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर कोई अब भी अपडेट जो आई है और जो आगे कोई अपडेट आएगी वो भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। चलिए सबसे पहले मेन स्ट्रीम, जो मेन बात है, सबसे पहले अगर तुमने न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, पहले मैं एक बार जिसने नहीं देखा वो दिखा दूँ, उसके बाद मैं एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या सत्यता है इसकी और क्या नहीं, कब तक इसके आसार हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी सुबह सुबह आँखें खुली होंगी 100%, और आपने जैसे ही ये देखा होगा, जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनका तो मूड ऑफ हो गया होगा 100%, और होना भी चाहिए। तो देखो सुबह सुबह ये वायरल हो रही है, सुबह सुबह ये कटिंग वायरल हुई है कि जून 2022 तक पुलिस महकमे में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं है। तो इसमें जो 21,000 नागरिक पुलिस, देखिए इसमें जानकारी के अनुसार फिलहाल 21,000 नागरिक पुलिस के सिपाही का प्रशिक्षण 15 दिसंबर को पूरा हो रहा है, जो 21,000 जो बच्चे उसके थे 4200 वाली वैकेंसी के, 4100 के, और 6 माह का इसमें शेष अभ्यर्थियों का जो इसमें बचे हैं, जो सिविल वाले बचे हैं, 6 माह का प्रशिक्षण 14 दिसंबर से कराया जाएगा। जो इसके बचे थे 41,500 के, 15,000 का तो हो चुका है, और जो बचे हैं उनका 24 दिसंबर से जो उनकी ट्रेनिंग है वो चालू हो जाएगी। ठीक है, सूत्रों का कहना है कि 24 दिसंबर से शुरू हो रहा प्रशिक्षण अगले वर्ष जून में समाप्त होगा, जून तक इनकी ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगी। इसके बाद में जो 49,568 का जिसका रिजल्ट आया था, फिर इसकी प्रशिक्षण की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों का प्रशिक्षण कम से कम 3 चरणों में कराया जाना प्रस्तावित है। 49,000 का जो है ना, 50,000 जो आपकी वैकेंसी है, तो 49,000 जो इनकी ट्रेनिंग होगी वो तीन चरणों में होगी, पहले सिविल का, फिर उसका मतलब आप जैसे इसकी हो रही है कि आधे बच्चों का तो 6 माह का हो चुका है 24 दिसंबर से, फिर अधों का होगा स्टार्ट, तो ऐसे ही इनकी 3 चरणों में कराई जाएगी। तो देखिए इसमें एक फैक्टर और आ गया, आपको पता है जो हेड कॉन्स्टेबल बने हैं, जो कॉन्स्टेबल थे हेड कॉन्स्टेबल बने हैं, जो थानों से ही बनते हैं, जो कॉन्स्टेबल थे उनको हेड कॉन्स्टेबल बनाया गया है, तो उनकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो इनकी जो दलील है ये कह रहे हैं कि सर जो अभी वैकेंसीज हैं वो नहीं आ पाएंगी, दलील तो यही है इनकी, ठीक है ना, कि वैकेंसी नहीं, ये न्यूज़पेपर की दलील है। सबसे पहली बात तो ये न्यूज़पेपर की दलील है, ठीक है ना, न्यूज़पेपर ने जो लिखा है कि भाई 2022 जून तक तुम्हारी वैकेंसीज नहीं आएंगी, ठीक है ना, 2022 जून तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसकी सत्यता की, बच्चे धरने की भी बात कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा तुमको, क्योंकि यूपीएसआई का जो धरना था तुम्हें पता ही है, कभी तो राम मंदिर का बहाना देके एसएसपी ने मंजूरी नहीं दी है, और अब जो बच्चे धरने की परमिशन मांग रहे हैं तो अब ये कह दिया है कि जो नागरिक संशोधन नियमावली जो आपकी अभी राज्यसभा से पास हुई है उसके प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो अभी हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, कभी कुछ बवाल हो जाए। तो यूपीएसआई वाले बच्चों को तो पागल बना रखा है, कहते हैं वैकेंसी अब आएंगी वैकेंसीज नहीं आती हैं, 2017 से यही बात चल रही है, तो इनका तो बेचारों का धरना ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और बिना परमिशन के अगर आप धरना करोगे तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा और आपको एक अवैध यूनियन घोषित करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, शायद आप पर धाराएं भी लगा दिया जाए। इसी वजह से किसी की हिम्मत नहीं बननी बच्चे की कि हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर लें। तो मैं यूपी कॉन्स्टेबल का जो है बच्चे कोर्ट जा रहे हैं उसकी मैं बात बताऊंगा, पहले मैं छोटी सी बात बता दूं इसकी कि क्या 2022 में ही आएगी वैकेंसी। तो देखिए इस बात से एक चीज़ तो प्रूव होती है, जो 2020 की दलील चल रही है कि जनवरी में आएगी फरवरी में आएंगी, वो आपकी नहीं आने वाली है।
देखिए विश्वकर्मा जी ने ही बयान दिया है, अब जो न्यूज़पेपर पे आधारित न्यूज़ है वो यही है और इसमें सत्यता है 100%, ठीक है ना, इसमें सत्यता है आपकी 100%। देखिए मैं आपको कल भी कह चुका हूँ, आप यूपी पुलिस के चक्कर में ना पड़े, इनका कुछ नहीं पता, CHSL और CGL के फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। तुम SSC की तैयारी करो, सही बता रहा हूँ मैं, SSC की तैयारी करो। एक साल में 3 पेपर होते हैं इसके, CGL के, CHSL के और CPU के, और अच्छी खासी नौकरी है, यूपी पुलिस से तो लाख गुना बढ़िया है। इंग्लिश वगैरह की प्रॉब्लम है वो तो मैं आपकी सॉर्ट आउट कर ही दूंगा, इंग्लिश की कोई बड़ी बात है नहीं। तो अगर कोई जिसमें एबिलिटी हो कि हाँ मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, एडवांस मैथ कर सकता हूँ, वो इसको करे। और अगर अब बात करें हम यूपी पुलिस जो 51,000 वाली वैकेंसीज है कि ये आएगी या नहीं आएगी, फिलहाल पक्की बताओ, तो बात ये है कि इसकी वैकेंसीज की अब कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी पक्का कि ये कब आएगी। देखो बात यह है, कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने पैसा लिया था काफ़ी बच्चों से कोर्स के नाम पर, UPSI के या कैसे भी, वे चैनल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनसे बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करी है कि सर कोई वकील, जैसे मान के चलो भाई हम वकील करेंगे तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। अब बेरोजगार आदमी कहाँ से पैसा लाएगा, सीधी सी बात है, वो हम जैसा काम है जो पैसा कमा रहा है यूट्यूब पर, और मैंने पैसा दिया भी है, पर जो चैनल्स हैं बड़े बड़े भी मैं कितना दे पाऊँगा, मेरी तो इतनी अर्निंग भी नहीं है। जो UPSI की जो तैयारी करा रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपये छापा है कोर्स बेच कर, उनका तो कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा इस बारे में कि भाई वैकेंसीज, और उनका पागल बनाया गया बच्चों का कि वैकेंसीज आने वाली है, आप हमारा कोर्स ले लो, 100% आपकी वैकेंसीज आने वाली है। तो अब उनसे सवाल पूछो कि वैकेंसीज कहाँ गई। बात करें यूपी कॉन्स्टेबल की, तो बच्चे अब कह रहे हैं कि सर हम कोर्ट जाएंगे। देखो कोर्ट में तुम क्या जाओगे, अब जा बताओ कोर्ट में तुम जाके क्या कहोगे भाई। अगर कोर्ट में आप जाओगे, आपने PL दाखिल कर दी वहाँ पे, तो सरकार से जवाब आएगा कोर्ट, तो सरकार तो कहेगा ना कि भाई हमने 2018 में काढ़ी है वैकेंसी, 2018 में 2 वैकेंसीज काढ़ी थी इसके नाम की, भले चाहे 2019 में एग्ज़ाम हुआ 49,568 का, पर ये 2018 के आधार पे ही रखी गई थी, 41,000 भी और 49,000 भी। तो सरकार के पास में तो अब कुछ दिक्कत है ही नहीं, सरकार तो कह देगी कि हमने 2 वैकेंसीज एकदम 1,00,000 वैकेंसी करीब हमने निकाली है, आपका नंबर नहीं आया उसमें, तो हम क्या करें। तो अब जो आने वाली वैकेंसीज है, देखिए 2022 की बात चल रही है, तो 2022 तो खैर ज़्यादा इन्होंने पीछे कर दिया, 2022 उसमें तो नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन होंगे उस टाइम पे, इलेक्शन से कुछ दिन पहले आएगी, मतलब 2021 में अगस्त तक आपकी वैकेंसीज आने की संभावना है, ठीक है। बात है देखो इसकी, अगर तुम इसके भरोसे बैठोगे तो वैकेंसीज तुम्हारी आएगी अपने हिसाब से, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। हाँ अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो दूसरी बात है, आप कोर्ट जाओ, बच्चे इकट्ठे हो जाओ, ठीक है ना, बच्चे इकट्ठे हो जाओ, और सिर्फ एक ही चीज़ पर बेस रखो। इन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, हर साल मतलब, तो जो वैकेंसीज निकली थी पहले वाली वो 2018 के विज्ञापन के नाम पर निकली थी भाई, जो कानून है वो तो तथ्यों के ऊपर चलेगा ना, तो उन्होंने तो 2018 के नाम से निकाली थी, मतलब 2019 में कोई वैकेंसी नहीं निकली, भले चाहे 19,568 का जनवरी में एग्ज़ाम हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो विज्ञापन निकला था उसका, उस पर 2018 की डेट थी, 2018 की डेट थी, तो 2019 पूरा का पूरा ऐसे चला गया, मतलब इसमें कोई वैकेंसी आई नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा सा वकील, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाओ पहली बात तो हाई कोर्ट ही जाओगे, ठीक है ना, हाई कोर्ट ही जाओगे, क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, अगर सेंट्रल का होता तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आपको यही दलील देनी है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दलील दी थी सरकार ने कि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, 2019 ऐसे का ऐसे ही चला गया, उसमें कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, और 2020 आ चुका है, और यही बच्चे जो अब बच्चे कोर्ट जा रहे हैं वो यही दलील देने वाले हैं। तो मैं बस आपको यही करूँगा कि आप अगर कोई ग्रुप है, कोई संगठन है, अगर कोई जाना चाहता हो तो भाई जाओ। फंडिंग देखो, फंडिंग आप बेरोजगारों से मत मांगो, फंडिंग आप बेरोजगारों से मत मांगो, जो चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो अच्छा खासा कमा रहे हैं उनसे बात करो कि भाई हमें फंडिंग दो, ठीक है ना, तुम कमा रहे हो, तुम हमारे से कमा रहे हो, तो थोड़ा सा एक 10% या 2 या 3% भी दे दोगे आप तो हमारा सारा काम हो जाएगा। तो उनसे बात करो जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, और अगर मुझसे जितना योगदान होगा मैं उतना दे पाऊँगा, ठीक है ना, आपको जो फिजिकल सपोर्ट और मेंटल सपोर्ट और सोशल सपोर्ट जो भी होगी वो मैं आपको दे दूँगा। तो आप जो कोर्ट में जाओगे आपके पास में सिर्फ यही दलील बचती है कि 19 में इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाल दी जो विज्ञापन था। दूसरी बात धरने की, तो भाई धरना तो मुश्किल है, देखो धरना अगर हाँ तुम अपने बेस पे जाओगे और वहाँ लाठी खाने जाना हो तो बात है अलग, धरने का तो मुश्किल लगता है, क्योंकि UPSI का बच्चे नवंबर से परमिशन मांग रहे हैं कि जैसे धरना करवा दो,
कोई परमिशन नहीं दे रहा शासन। शासन परमिशन क्यों देगा? शासन का भी कोई मूड ही नहीं है यूपीएसआई की वैकेंसी देने का, तो शासन क्यों देगा? और अब तो ऐसा ही लगता है कि जो शासन का है वो मूड अब बिल्कुल भी कोई वैकेंसी निकालने का नहीं है, ठीक है ना, कोई वैकेंसी निकालने का नहीं है। और बात थी पटवारी की कि पटवारी की कब आएगी, तो पटवारी और यूपीएसआई का इन्होंने एक सही हाल कर रखा है, ठीक है ना। पटवारी की ये 2018 से सुनने हैं कि पटवारी की वैकेंसी अब आने वाली हैं, कोई भी वैकेंसी नहीं आई कोई भी अभी तक। तो पटवारी की अब ये कह रहे थे कि जनवरी में आएगी, तो भाई जनवरी में भी मुझे मुश्किल लगता है कि पटवारी की वैकेंसी आपको दे देंगे। बात मैं आपसे फिर कहूँगा, एक ही बात कहता हूँ, CHSL के फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना, 10+2 है, 12वीं पास, सिविल की नौकरी है, सेंट्रल की नौकरी अच्छी खासी है, उसके फॉर्म अभी तक आपके चल रहे हैं। मार्च में 100% उसका एग्ज़ाम है, उन्होंने फॉर्म के साथ में डेट भी दे दी, और इनका एग्ज़ाम टाइम पे ही होता है SSC का। बस तैयारी क्या करनी है, मैथ में आपका अर्थमेटिक और एडवांस आएगा, इंग्लिश आपकी अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई नया बच्चा हो तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं एक तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। और यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की कोई भी अपडेट आएगी, जैसे मान के चलो कि कब बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि कोर्ट कब जा रहे हैं, या धरने में जो भी कुछ बात होगी, धरने की कोई भी बात होगी, तो वो भी मैं आपको 100% आपको सटीक जानकारी देता रहूँगा समय समय पर, ठीक है ना। बस मेरा आपसे एक अनुरोध है, ठीक है ना, यूपी पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। देखो बात है सीधी सी, यूपी पुलिस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, यूपी पुलिस के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो, ये बात मैं कई दिन से कह रहा हूँ। मैं UPSI वाले बंदों को कह रहा था बहुत दिन से कि अगर जितना तुमने टाइम UPSI की तैयारी में लगा रखा है, 2018 से लग रहे हो और कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अब बताओ इसमें किसका दोस्त है, सरकार का दोस्त है, बच्चे का दोस्त तो है ही नहीं। तो बात यही है भाई, यूपी पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, SSC की तैयारी कर लो अब तो, अगर तुम्हें करनी है तो। सेंट्रल की नौकरी है, देखो हाँ वैकेंसी भले कम पड़ती हूँ, पर यह है अगर तुम मेहनत करने वाला आदमी है तो मेहनत करके कहीं भी जा सकता है। बात आती है रेलवे की कि सर रेलवे में भी वैकेंसीज अभी घोषित हुई हैं 3-4 लाख, तो 3-4 लाख अभी जो वैकेंसीज घोषित हुई है वो एक मास्टर स्ट्रोक है, अभी उसका ये भी नहीं पता कि वे ग्रुप डी की होंगी, ग्रुप सी की होंगी, या तो ग्रुप डी की होंगी या ग्रुप सी की होंगी, क्योंकि इतनी वैकेंसीज 2-3 लाख तो इसी लेवल की आती हैं, ठीक है ना, कोई आपको बी ग्रेड की नौकरी नहीं मिलने की UPSI टाइप की। तो मेरी बस आपसे यही अनुरोध है, देखिए रेलवे की जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन मिलेगी कि रेलवे की वैकेंसीज कब आ रही हैं, तो वो मैं भी आपको अपडेट तुरंत के तुरंत दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। रेलवे की वैकेंसीज का भी जैसे ही कोई अपडेट आएगी तुरंत मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा उसको, और आपको पता ही है मैं सटीक जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर कोई नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और जैसे ही कोई अपडेट आती है कोर्ट की, धरने की, या रेलवे की नई वैकेंसीज की, या कोई भी नई वैकेंसी जो यूपी पुलिस टाइप का सिलेबस हो जिसका, अगर वैसे भी कोई वैकेंसी आती है तो मैं आपको तुरंत के तुरंत अपडेट कर दूंगा। पर भाई मेरे मान लो बात को, अब यूपी पुलिस के चक्कर में मत रहो, ना ही SI के और ना ही कॉन्स्टेबल के, ना UPSI के, ना कॉन्स्टेबल के, किसी के चक्कर में मत रहो। अगर हाँ कुछ अपडेट होती है तो वो तो मैं बताऊंगा, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो एग्ज़ाम आने वाला है 100% CGL, CHSL और CGL, कम से कम उसकी तो तैयारी कर लो। और अब भी 80 दिन बचे हैं, 80 दिन बहुत होते हैं, नोट्स मैं आपको ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा, आप नो कहोगे गुरुजी क्या बढ़िया है। बात आती है वोकैब की, idiom phrase और वोकैब, वो मैं आपको डेली 10-10 वोकैब की वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरा आपसे अनुरोध है चैनल से जुड़ जाएं, और जैसे भी कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको तुरंत दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अभी कुछ भी बात होती है धरने की या कुछ भी, अभी तो देखिए ये सुबह सुबह न्यूज़ आई है, अब इसका बच्चे रिएक्शन क्या देंगे, देखिए रिएक्शन क्या देंगे बच्चे, वो उनके ऊपर डिपेंड है। जैसे ही वे कुछ बात सोचेंगे कि हाँ हमें ये करना है, जैसे ही वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। वीडियो भी ना बनाऊँ तो मैं कम से कम कम्युनिटी पोस्ट तो कर ही दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट वही देख सकता है जो चैनल का सदस्य होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, कम्युनिटी पोस्ट में तो, क्योंकि एक बात मान के चलो कोई छोटी सी अपडेट हो तो वो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं ना, तो अगर कोई छोटी सी भी अपडेट होगी उसको मैं अपने कम्युनिटी टैब पर उसको अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाएं अगर कोई अभी तक नहीं जुड़ा है, और जैसे ही कोई सटीक जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा, लेखपाल की, यूपी लेखपाल की कोई जानकारी होगी वो मैं आपको दूंगा, या रेलवे की आगामी जो 3-4 लाख वैकेंसीज हैं उसकी भी अगर कोई जानकारी होगी कि किस लेवल की है, क्या सिलेबस है, वो भी मैं आपको दे दूंगा 100%, घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत।